इधर हमने शुभमन गिल को देखा कैप्टनसी 37, 34 स्कोर। आज हमने क्या कहते हैं सूर्या कुमार यादव को देखा कैप्टनसी पे एज अ फ्रंट रोल प्ले किया एज अ कप्तान है ना सूर्या कुमार यादव, बहुत ही क्लासिकल उनकी बैटिंग तो लेवल की है। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला T20 का मैच था, बात स्टार्ट ही सूर्य कुमार यादव से करते हैं। 15 उन्होंने आज अपनी कंप्लीट की, कप्तानी के लिहाज से भी बेस्ट क्या कहना चाहते हैं? बैटिंग लाइनअप इंडिया का कैसा था? देखे जो कप्तान है ना सूर्या कुमार यादव, बहुत ही क्लासिकल उनकी बैटिंग तो लेवल की है। और ठीक है, मुझे यकीन है कि वो रोहित शर्मा से ज़्यादा बेहतर कप्तानी कर सकेंगे, क्योंकि उसमें वो उसके मिड उसका जो है वो ऑफ साइड खेलते हैं वो बहुत आला है। तो विराट कोहली और वैसे रोहित शर्मा की कमी महसूस हो रही है, तो बाकी देखते हैं कि इंडिया की। इस सवाल की बात करेंगे, 20 बॉलर पर 40 करना, भाई ये बच्चा सही बता रहा है कि सिर्फ बेस्ट बॉल ही चलती है और मॉडर्न क्रिकेट बॉल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? देखिए, अगर पहली तो बात तो ये है कि जो टॉस जीतता है ना 70% वो विन कर जाते हैं बिल्कुल। तो आप बात कर रही थी जयसवाल की, तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम बेहतरी की तरफ जा रही है, पहले से बेहतर होगी इंशाल्लाह। और वैसे मैं फ़ैन फॉलोइंग हूँ इंडिया टीम का, बहुत ज़्यादा उनका फ़ैन हूँ मैं। सूर्या कुमार की बात करें, 48 उन्होंने आज किया, कैसी लगी उसकी परफॉर्मेंस देखकर? जिम्बाब्वे के खिलाफ 4/1 से अपनी टीम को जितवा चुके हैं, यहाँ पर भी वाइस कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमाल की बैटिंग, कमाल की, मैं कहता हूँ आउट क्लास बैटिंग है यार, सूर्या कुमार यादव लेवल है आपका। बिल्कुल, आपकी बात ये क्या एक्सपेक्टेड है कि इंडिया वाइट वॉश करेगा या एक दो मैच दे देगा श्रीलंका को? बहुत टफ है, बहुत टफ है, आई होप के वाइट वॉश ही करेगा इंशाल्लाह। वाइट वॉश ही करेगा, 3 मैचेस हैं बल्कि 6 मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। हम आपने लास्ट टाइम वो देखा था वर्ल्ड कप, उसमें 11 मैच जीती थी इंडिया, फाइनल हारी थी। हाँ तो ये जीत पलटना झपटना ये तो होता रहता। हाँ क्या बात, तो इंशाल्लाह वाइट वॉश की उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आज भारतीय टीम ने भाई क्या किया है, 214 का टारगेट लगाकर बोर्ड पर रख दिया। श्रीलंका ने भी बड़े हाथ पांव मारे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी तो छा गई। आज इंडिया ने बता दिया कि भाई वो घर में शेर हैं तो उसके साथ साथ बाहर भी शेर हैं। जैसे कि कहते हैं लोग, कहते कि इंडिया घर का शेर है, लेकिन बाहर जाकर श्रीलंका को जो मारा है एक धमकी दे दिया कि भाई हमारी वुमेंस के साथ पंगा नहीं लेना, नहीं तो फोड़ देंगे। और इंडियन टीम ने बता दिया कि भाई वो क्रिकेट के इस टाइम रूल कर रहे हैं क्रिकेट को, और अब बाकी टीमों के लिए खतरा बन चुका है। और इंडियन टीम पता नहीं क्या कर रही है, लेजेंड्स हो, वुमेन्स हो, मैंस हो, करंट टीम हो, ए टीम हो, बी टीम हो, भाई जीतना है। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में जा जा कोई कप मैन्युफैक्चर हो रहा है ना भाई, इंडिया को वो बना ही इंडिया के लिए है। जितने भी इस दफ़ा 2024 में कप बने हैं सारे इंडिया ले गया भाई, इनकी जगह ही नहीं बार रही है, इतनी खाली जगह ये भाई। मैं कहता हूँ अपनी पूरी टीम को, पूरे स्क्वाड को एक एक कप दे देना चाय पीने के लिए, उससे ज़्यादा कप इन्होंने इकट्ठे कर लिए। आपकी बात है स्काई भाई, स्काई के बारे में क्या? हाँ यही बात है ना, देखे हमारे पास बाबर आजम कैप्टन था, उसकी जैसी उसको कैप्टनसी दी उसकी इतनी परफॉर्मेंस इफेक्ट पर आ कि उससे एक वर्ल्ड कप में 50 नहीं हुई। इधर हमने शुभमन गिल को देखा कैप्टनसी दी 37, 34 स्कोर। आज हमने क्या कहते हैं सूर्या कुमार यादव को देखा कैप्टनसी पे एज अ फ्रंट रोल प्ले किया एज अ कैप्टन आए, क्या परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर 58 स्कोर सूर्या कुमार यादव। उसने बता दिया कि भाई वो कैप्टनसी का प्रेशर लेने वाला नहीं है और वो इंडिया का एक सितारा है, और इंडिया के पास अभी भी मैं कह रहा हूँ 7 से 8 कैप्टन है। और इधर हमें बाबर आजम फ्लॉप हुआ तो हमारे पास कैप्टन नहीं निकला, हमारी टीम की इधर इज्तिहाद कूद पर है हमारी टीम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल का क्या कहना चाहेंगे, 20 पे 40 आज? आज जयसवाल, जब जयसवाल का तो यही है बस, उसको क्या कहते हैं टीम वाले बस एक रात मैच से पहले फ़ोन करते हैं, आज सुबह तुम सिलेक्ट, वो आता है और फिर वो जो बता के चला जाता है। उसको इंग्लैंड में लाए 200 भाई, उसको कल उसने 40 मार, आज उसने 40 मार दिया, उसने जिम्बाब्वे को 100 मार दिया भाई। वो बंदा अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल है, वो इतना हैवी टैलेंट। और मैं ये कहना चाहूँगा जिसका साइमन वुड के साथ टैलेंट कंपैरिजन करते नहीं बनता, देखे जो लोग बाबर का शुभमन के साथ करते वो भी नहीं बनता। देखे साइम अयूब इज़ नॉट अ टैलेंट, ही इज़ अ पर्ची, और जयसवाल एक प्योर टैलेंट है। और उसने बताया जे मैंड्रीसन जैसे बॉलर को 3-3 छक्के मारना कोई माइकल आली कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? गुड। आपने आज मैच देखा, पहला T20 का मैच था श्रीलंका के अंदर, वो भी भाई इंडिया तो दूसरों के होम ग्राउंड में भी किसी का लिहाज नहीं कर रहा। डेफिनेट यस, इंडिया ध्यान करता ही नहीं है, ख्याल करता ही नहीं है, इज्जतों का ख्याल नहीं करता। यकीन करें आज सूर्य कुमार यादव ने नचा दिया है सबको, नचाया क्या है मैं कहूँगी, वट वॉज दिस यार। मतलब ठीक है, ओके फाइन, आप लोग इंडिया हो, आप लोगों को जीतने की आदत है, बट ऐसा तो ना करो यार, आते ही आप लोग ऐसा टेरर क्रिएट कर देते। बहुत हाथ पैर मारे हैं, बहुत हाथ पैर मारे हैं श्रीलंका ने, लेकिन
नो इज़ ए नो फॉर इंडिया, नो इज़ ए नो फॉर इंडिया। इंडिया नहीं जीतने देता, नहीं जीतने देता, किसी को भी नहीं जीतने देता, चाहे फिर वो सीना कंट्रीज़ हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ हो। फिर श्रीलंका के साथ तो पुरानी दोस्ती है इनकी हार जीत की। बिल्कुल आमने, आपकी बात सही है। एशिया कप की याद आ गई आज का मैच देखकर। एशिया कप की याद तो नहीं आई, खैर आज श्रीलंका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो मैच वन साइडेड था, ये मैच जो था वो बहुत फाइटिंग मैच था। बट देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया कमाल है। इंडिया ने नहीं फिर भी जो है ना अपनी बाजी पलटने नहीं देता। ठीक है, हाथ पैर मारने की इजाज़त है, लेकिन जीतने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो यही चीज़ है, इंडिया इज़ अ ग्रेट ग्रेट क्रिकेट कंट्री। जो मतलब इंडिया देखें, बैट्समैन प्रोड्यूस हो गए, बॉलर्स प्रोड्यूस हो गए, फील्डर्स प्रोड्यूस हो गए, मतलब कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के बाप प्रोड्यूस हो गए। अब लीडर्स की बारी है। अब ऐसे ऐसे लीडर्स इंडिया ने प्रोड्यूस करने हैं, ऐसे ऐसे माइंडसेट इंडिया ने प्रोड्यूस करने हैं कि एक टाइम आएगा कि हम कहेंगे ठीक है एक टाइम पर धोनी था, अब विराट की बात है। अब हम एक दफ़ा एक टाइम पर ये कहेंगे कि ठीक है एक टाइम पर रोहित शर्मा था, अब सूर्य की बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है। सूर्य जयसवाल भाई, ये नन्ना सा बच्चा क्या कर रहा है? नन्ना सा बच्चा जो है ना वो सबको नचा रहा है, और ऐसा ना चाह रहा है कि फील्डर्स कंफ्यूज हुए हुए हैं। वो इस साइड पे फील्डिंग लगाते हैं, वो उस साइड पे कर देता है, बाउंड्री लगा देता है, वो उस साइड पे लगाते हैं, वो इस साइड पे कंफ्यूज किया हुआ है उनको। भाई क्या मतलब, ठीक है तुम 360 हो, लेकिन ऐसे भी ना करो कि अगले बच्चे रोने लग जाए। उनके घर के अंदर तुम लोगों ने जो हाल किया है ना, लेकिन ये है कि अप्रिशिएट करना श्रीलंका का भी बनता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमारे बॉलर्स इस दफ़ा नहीं चले, लेकिन बैट्समैन ने ऑलरेडी कसर पूरी कर दी थी कि 214 टारगेट स्कोरबोर्ड पर लगा हुआ है। कौन परफॉर्मेंस करेगा उसके बाद, कितनी को परफॉर्मेंस कर लेगा? ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा 200 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेकिन एट दी एंड जीतना तो इंडिया नहीं होता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत खुश हूँ। इंडिया का मैच श्रीलंका के साथ देख के, जिस तरह इंडिया ने आज श्रीलंका को बीट किया है, यकीन करें जितना टारगेट इंडिया ने आज दे दिया था श्रीलंका की, कोई भी बड़ी से बड़ी भी कह लें कि जो मर चुके हैं वो भी जिंदा होकर ये बीट नहीं कर सकते थे। इंडिया की जिस तरह आज बॉलिंग चली है ना, श्रीलंका के बड़े बड़े कह लें कि बैटर जो हैं वो उनके आगे चल नहीं पाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। स्काई ने आज जो 58 किया, कमाल की परफॉर्मेंस नजर आई। जयसवाल और साथ में शुभमन गिल, क्या कहना चाहते हैं? पार्टनरशिप हर किसी की आज अच्छी लग रही थी, आज बहुत अच्छी लगी है। पता नहीं क्यों आज बैड लक चल रही थी श्रीलंका की, आज जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया है ना, यकीन करें इंडिया की अगर बॉलिंग देखें तो आउट क्लास, अगर बैटिंग देखें तो वो उससे बढ़ के। आज उन्होंने बता दिया यार, अगर बड़े साथ नहीं भी होंगे तो फिर भी इंडिया की टीम कामयाब है। आपको पता है वो क्या नाम है इनका, की नाम थी, जय शाह ने कहा था कि हमने टीम इंडिया से तीन टीमें ग्राउंड में उतारनी है, तो उन्होंने आज बता दिया कि बी टीम भी कोई किसी से कम नहीं है। तो आज यकीन करें वो जय शाह की मुझे बात याद आ रही है कि जिस तरह आज टीम ने किया परफॉर्म, मुझे लग रहा था कि श्रीलंका को टफ टाइम देगी, लेकिन श्रीलंका इतनी जल्दी ढेर हो जाएगी ये माइंड में नहीं। आपकी बात सही है। बॉलिंग लाइनअप आज कैसा लगा? बॉलिंग के अंदर अर्शदीप सिंह भाई बहुत अच्छा खेल कर जा रहे हैं। यार आज बॉलिंग जो है श्रीलंका के, मुझे नहीं याद आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा कि यार श्रीलंका इतने इतने बैटर कह लें कि जो 50-100 करने वाले श्री इंडिया के आगे आज उनकी वो फुड़ुस तो नज़र आए हैं, आज उनकी चाल ही नहीं पाई। आज सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के अंदर, होम ग्राउंड के अंदर श्रीलंका के जाके वहाँ पर अगर इंडिया जीत के आ जाए तो इससे बड़ा श्रीलंका के लिए तमाचा मुझे लगता है कि कोई हो नहीं सकता। यदि पाकिस्तानी वाम की राय आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अला